अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं तो आम आदमी पार्टी में ही जोश नहीं बल्कि इंडी अलायंस में भी नई ऊर्जा सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने आज अपने दिन की शुरुआत कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन के साथ की। इसके बाद वो शाम 4 बजे दक्षिण दिल्ली में एक रोड शो करने वाले हैं। पार्टी दफ्तर में मीडिया को संबोधित किया तो अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि बीजेपी 220 से 230 सीटें जीतेगी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो 75 के बाद रिटायर हो जाएंगे, कोई और बनेगा। आखिर अरविंद केजरीवाल कैसे दो तरह की बातें कर रहे हैं, एक तरफ दावा बीजेपी के सरकार में ना लौटने का और दूसरी तरफ दावा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिड टर्म छोड़ देंगे, किसी और को आगे करेंगे। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे? नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं, तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो, उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? तो देखा आपने किस तरीके से मोदी प्रधानमंत्री होंगे या नहीं इसको लेकर शंका पैदा करने की अरविंद केजरीवाल ने इस बयान के जरिए कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो विपक्ष के सभी नेताओं को जेल भेजेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन लीडर यानी एक देश एक नेता की योजना पर काम कर रहे हैं, इस तरह का आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी के नेता होने के बावजूद निपटा दिया गया और अगले 2 महीने में योगी आदित्यनाथ को भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टेलिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टेलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा, आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी।
वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी, अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग।